ನರೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರ ದಾಸ್ ಮೋದಿ. नरेंद्र मोदी संघ की विचारधारा के बेहद करीब थे. सन्यास की तरफ भी उनका मन झुका, लेकिन गुरुओं ने विचार बदलने के लिए प्रेरित किया. संघ से बीजेपी संगठन और फिर गुजरात की सत्ता तक भी नरेंद्र मोदी के सफर में कई उतार चढ़ाव आए. बचपन से ही नरेंद्र मोदी का संघ की तरफ खासा झुकाव था और गुजरात में आरएसएस का मजबूत आधार भी था. वो 1967 में 17 साल की उम्र में अहमदाबाद पहुंचे और उसी साल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली. इसके बाद 1974 में वो नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए. इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे. नरेंद्र मोदी बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे. आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में वो अपने मैनेजमेंट का कमाल भी दिखाते थे. आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था. इतना ही नहीं, गुजरात के हेडगेवार भवन में आने वाली हर चिट्ठी को खोलने का काम भी नरेंद्र मोदी को ही करना होता था. नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट और उनके काम करने के तरीके को देखने के बाद आरएसएस में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला लिया गया. इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय कार्यालय नागपुर में एक महीने के विशेष ट्रेनिंग कैंप में बुलाया गया. उन्नीस सौ अस्सी के दशक में जब मोदी गुजरात की भाजपा इकाई में शामिल हुए तो माना गया कि पार्टी को संघ के प्रभाव का सीधा फायदा होगा. वो साल 1988-89 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए. नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा की. इसके बाद उन्हें उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा का संयोजक बनाया गया. यात्रा दक्षिण में तमिलनाडु से शुरू होकर श्रीनगर में तिरंगा लहराकर खत्म होनी थी. इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए. मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और पांच राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया. इसके बाद 1998 में उन्हें संगठन में महासचिव बनाया गया. इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे, लेकिन 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई. उस वक्त गुजरात में भूकंप आया था और भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे. मोदी की सत्ता संभालने के करीब 5 महीने बाद ही गोधरा रेल हादसा हुआ, जिसमें कई हिंदू कार सेवक मारे गए. इसके ठीक बाद फरवरी 2002 में ही गुजरात में दंगे भड़क उठे. इन दंगों में सरकार के मुताबिक 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे. जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात का दौरा किया तो उन्होंने मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी, जिसे वाजपेयी की नाराजगी के संकेत के रूप में देखा गया. मोदी पर आरोप लगे कि वो दंगों को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया. जब भारतीय जनता पार्टी में उन्हें पद से हटाने की बात उठी तो उन्हें तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और उनके खेमे की ओर से जोरदार समर्थन मिला और वो पद पर बने रहे. गुजरात में हुए दंगों की बात कई देशों तक उठी और मोदी को अमेरिका जाने का वीजा तक नहीं दिया गया. ब्रिटेन ने भी 10 साल तक उनसे अपने रिश्ते तोड़े रखे. गुजरात दंगों के जो आरोप मोदी पर लगे थे उनका असर चुनावों पर नहीं पड़ा. 2007 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने गुजरात के विकास को मुद्दा बनाया और वो फिर से जीत कर लौटे. फिर 2012 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनावों में विजयी रही और अब नरेंद्र मोदी केंद्र में भी अपने नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं. आज मोदी पूरी दुनिया में अपनी दबंगई का डंका बजा चुके हैं. जो अमेरिका उन्हें वीजा देने से इनकार करता था, आज वो उनके स्वागत में रेड कार्पेट बिछा रहा है.
नरेंद्र मोदी की राजनीतिक ताकत में लगातार इजाफा होता रहा। बीजेपी के अग्रणी नेताओं में नरेंद्र मोदी की गिनती लंबे समय से होती रही है। मोदी ने सत्ता संभालने के साथ ही खुद को राजनीतिक संगठन मजबूत करने और राज्य के विकास के कामों में लगा दिया। उद्योग की बात हो या कृषि की, मोदी ने लोगों के सामने एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश की। नतीजा ये रहा कि कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने उनके काम की तारीफ की। मंजिल दूर थी, सफर मुश्किल था, रास्ता आसान नहीं था। वह छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए कैसे तमाम विरोधों के बावजूद गुजरात के सीएम से देश का पीएम बनने का कारनामा नरेंद्र मोदी ने अंजाम दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी।